भारतीय खिलाड़ियों ने भारत की झोली में डाले 100 पदक, पहली बार तोड़ा 72 सालों का रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज और आपके साथ मैं हूं खुशी मित्तल। 19वें एशियाई खेल कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। वहीं हंगजोऊ एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रचा है। वहीं बता दें, एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल रहे। इसके अलावा निशानेबाजी में भी भारत का दबदबा रहा। निशानेबाजों ने 22 पदक भारत की झोली में डाले, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य थे। भारत ने हंगजोऊ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए 72 सालों में पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। ये एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा स्वर्ण 72 साल पहले यानी 1991 दिल्ली एशियाई खेलों में आए थे, तब भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे। वहीं अब इस बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल ने 100 से ज्यादा पदक जीत लिए हैं। भारत के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृतकाल में देश ने 19वें एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा किया है। कंपटीशन के 13वें दिन भारत ने हॉकी के स्वर्ण सहित 9 पदक जीतकर पदकों की संख्या 95 तक पहुंचाई। 19वें दिन की शुरुआत में ही भारतीय तीरंदाजों ने 4 पदक दिलाए और फिर कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीतकर भारत का पदकों का शतक पूरा कर दिया। वही शुक्रवार को कुश्ती में 3 कांस्य पदक मिले, तीरंदाजी में 1 रजत 1 कांस्य, ब्रिज में रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य के अलावा स्पेक्टारो में मिला पदक तो ऐतिहासिक है। हॉकी के स्वर्ण पदक की बेहद खुशी है क्योंकि इसके साथ अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट भी पक्का हो गया है। एशियाई खेलों की आखिरी दिन यानी शनिवार को क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन व कंपाउंड व्यक्तिगत तीरंदाजी में 7 पदक आने तय हैं। ये एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा स्वर्ण 72 साल पहले यानी 1991 दिल्ली एशियाई खेलों में आए थे, तब भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे। भारत ने जकार्ता में हुए पिछले एशियाई खेलों के 70 पदकों के रिकॉर्ड को तो पहले ही ध्वस्त कर दिया था और अब तो 100 पदकों का संकल्प लेकर चीन जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने अपने लक्ष्य को भी सिद्धिगत कर लिया है। साथ ही भारतीय खिलाड़ी कई कॉम्पिटिशन्स के फाइनल में हैं। वहीं इस साल निशानेबाजी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय निशानेबाजों ने एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया। भारतीय शूटर्स ने हंगजोऊ एशियाई खेलों में 22 पदक जीते, इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने निशानेबाजी में किसी एक एशियाड में सबसे ज्यादा स्वर्ण समेत कुल पदक जीतने के मामले में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य समेत 14 पदक जीते थे। वहीं भारत ने एथलेटिक्स में इस बार 29 पदक जीते, इनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल है। भारत ने इससे पहले ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज़्यादा पदक 1991 दिल्ली एशियाई खेलों में जीते थे, तब भारत को 34 पदक मिले थे, इनमें 10 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल थे। भारत 34 पदक के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गया। इसके अलावा स्क्वैश में पहली बार भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीता। तीरंदाजी में अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य समेत 9 पदक जीते जा चुके हैं। क्रिकेट में महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष टीम शनिवार को स्वर्ण पदक मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना करेगी। घुड़सवारी में भारत ने 42 साल बाद स्वर्ण पदक जीता, चाहे वे व्यक्तिगत हो या टीम कॉम्पिटिशन। नौकायन और रोइंग जैसे खेलों में भी भारत की काफ़ी मदद की। इसके साथ ही भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वहीं टीम एक कड़े फाइनल में चीन से हार गई। कई अन्य भारतीय एथलेटिक आज 7 अक्टूबर को खेलते दिखेंगे। वहीं अब इससे भारत के पास अपने पदकों के रिकॉर्ड संख्या को और बेहतर करने का मजबूत मौका है। एशियाई खेलों का समापन समारोह 8 अक्टूबर रविवार को है। बता दें, टेबल टेनिस महिला टीम सुधीरता मुखर्जी और आयिका मुखर्जी ने पहली बार इस कंपटीशन में पदक दिलाया। मेरठ की पारुल चौधरी का महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण यादगार रहा। भाला फेंक में पहली बार नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के रूप में 2 भारतीय पदक मंच पर पहुंचे। वहीं कैनाइंग में रुड़की के अर्जुन सिंह और मणिपुर के सुनील सिंह सलाम का युगल 1000 मीटर में ऐतिहासिक कांस्य जीता। स्पेक्टारो में
महिला टीम का कांस्य भी ऐतिहासिक रहा है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।